जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों तरह का समय आता है। अच्छा समय बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन बुरा समय बहुत धीरे धीरे कटता है। जब कोई व्यक्ति संकट और कष्ट में होता है तो वो भगवान की शरण में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु उसके संकटों और कष्टों को जल्द से जल्द दूर कर दें। और दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान मिला हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हनुमान जी इस धरती पर एक अजर और अमर देवता हैं और अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए वायु रूप में हमेशा विचरते रहते हैं। और दोस्तों, हनुमान जी की सेवा करने से सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर पीपल की पूजा करते हैं तो हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं हनुमान जी आपको माला माल भी कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि 40 दिन का एक उपाय आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है? हमें सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी के मंदिर में एक मिट्टी का दिया लेना है और उसमें सरसों का तेल डालकर सुबह शाम दिया जलाना है। ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें चूक नहीं होनी है। अगर आप एक दिन भी भूल गए तो आपको ये काम दोबारा से शुरू करना होगा। इसके अलावा शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे कि आप सुबह सुबह नहा धोकर पीपल के 11 पत्ते तोड़ लाएं। ध्यान रखें कि वो पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद पीपल के पत्तों को जल या गंगा जल से धोकर आप उनकी एक माला बना लें और वो माला शनिवार के दिन हनुमान जी को जाकर पहनाएं। ऐसा अगर आप कुछ शनिवार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको खुद अपने परिवार में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आप उन्हें हर शनिवार को पान, तुलसी दल और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और हनुमान जी के आगे दीपक जलाकर उन्हें तुलसी की माला अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को हमेशा धन का लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रत्येक शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करें। इस उपाय से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं और अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमेशा राम नाम का जप करें। और दोस्तों, जो व्यक्ति शनिवार के दिन राम नाम का जाप करता है, उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलती है, उसे सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप कमेंट्स बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।